नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हमारे साथ अलमदार अब्बास हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही आर्थिक मामलों के जानकार हैं। इसीलिए इन्होंने 2022 और 23 का बजट कैसा हो उस पर काम किया है और डाटा तैयार किया है। हम बात करेंगे इनसे 2022 और 23 के बजट को लेकर कि किस तरह का बजट होना चाहिए जिससे देश की जनता को लाभ मिले। आज का जो यूनियन बजट जो है, जो इस साल पेश होने जा रहा है, इसमें एक नया भारत और एक नई उड़ान है। और भारत की आज़ादी से पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसा बजट बन रहा है कि जिसमें ई कॉमर्स है, ई गवर्नेंस है और पूरा डिजिटलाइजेशन है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अब की का जो बजट है, जो ये जो फोकस कर रहा है, ये गति शक्ति पर फोकस कर रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति मास्टर प्लान है 100 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग, हाईवे, मेट्रो, उसके साथ साथ एयरपोर्ट, एरोड्रोम्स और ड्रोन्स, सभी को कवरेज किया गया है। जनता पर इसका बुरा असर क्या पड़ने वाला है, उस पर भी आप रोशनी डालें। सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में प्राइमरी डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट है और रेवेन्यू डिफिसिट है। और जिस देश के अंदर ये तीनों डेफिसिट होते हैं, उस देश में महंगाई जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना सरकार के लिए प्रॉब्लम होता है। और यही सरकार के लिए ये है, लेकिन जो हम चाहेंगे कि सरकार जिन्होंने जो सबसे बड़ी, जो पिछले साल के बजट में सरकार ने जो थी वो प्रोडक्शन बढ़ा के और जो लॉजिस्टिक वैल्यू, जो लागत मूल्य है, उसको कम करने का उपाय नहीं किया। और प्रधानमंत्री जी भी ये सरकार भी उसी रास्ते पर चली जिस तरह से पिछली सरकारें चली। तो हम चाहेंगे ये सरकार जो एक नई उड़ान और एक नया जो है विकास का जो है एजेंडा लेके चले, और जो पिछली सरकारों ने गलतियां करी उस गलतियों को दोहराए नहीं, और इसी से ही जो है भारत का जो है विकास दर बढ़ेगा। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो हमारी हाई पावर सोलर एनर्जी है, इसको लो पावर सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करे इस तरह से, ताकि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएं। और पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और ये फिर बढ़ेंगे। तो इसके लिए यही है कि जो हाई पावर सोलर एनर्जी है, इसको लो पावर सोलर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। देश की जनता को आसानियां पहुंचे, उसको सुविधाएं मिले, बजट में ऐसा क्या करना चाहिए अलमदार साहब? देखिए, बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जो है ये बढ़ती चली जा रही है, और इसको कम करने के लिए भारत सरकार को ये चाहिए कि हमारा एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ा के कॉस्ट वैल्यू डिक्रीज करे। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी जो चीज़ें जो बन रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से और इंडस्ट्री सेक्टर से, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए और उनकी कॉस्ट वैल्यू डिक्रीज करी जाए, ताकि जिस तरह से चाइना में और जापान में, तो अब मेरा ख्याल है अगर ऐसा हो जाए तो रोज़गार को रोज़गार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो सन 47 से लेकर आज तक जो हमारे जो के पहाड़ हैं, बंजर भूमि है, वहाँ पर जो है केंद्र सरकार जो है खास करके 2022-23 के बजट में बाकायदा वहाँ फर्टिलाइजर और जो है कृषि का इस्तेमाल किया जाए, एग्रीकल्चर का। एक तरफ तो रोजगार पैदा होंगे और दूसरी ये तरफ ये कि जो बेकार जमीन पड़ी है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी काम आएगी। 2022-23 का जो बजट देखा है करीब से, या जो जानकारी ली है, उसमें इस बजट में क्या खूबी है और क्या कमियां हैं, ये दोनों चीज़ें आप बहुत ब्रीफ में बताएं। देखिए, इस बजट में सबसे बड़ी खूबी ये है कि प्रधानमंत्री ने जो गति शक्ति का मास्टर प्लान बनाया है, उसमें 2030 में भारत जो है दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी शक्ति बनाने का प्लान है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर जमाखोरी है,
काला बाजारी है। और इसके अलावा जो मंत्रालय है इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जो कि आपसी जो तालमेल की जो कमी है, अगर इस तालमेल की कमी को दूर कर देते तो मुझे आशा है कि ये बजट जो है, जो सन 1947 से आज तक जो कमियां थी, किसी सरकार ने नहीं कमी दूर करी। तो मैं प्रधानमंत्री से कहूँगा कि सारे मंत्रालयों के और उनसे संबंधित जितने विभाग हैं उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी पैदा करें, क्रेडिबिलिटी पैदा करें। और 2022 और 23 के इस बजट से आम जनता को क्या फायदा होने की उम्मीद आप रख रहे हैं और क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, आम जनता को जो टैक्स स्लैब है उसमें जो है उसमें जो है राहत मिलने की ज़रूरत है। और इसके अलावा GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो स्लैब है, इसमें भी जो कि आम जो चीज़ें हैं जैसे दाल है, चावल है, आटा है, इसमें जो कि मिडिल क्लास के लोगों को, सबसे मिडिल क्लास जो है वो चक्की की तरह से पीस रहा है। यानी जैसे दो पाटन जो होते हैं उसके बीच में चक्की जब चलती है ना, तो चक्की चाहे दाएं से बाएं चले या बाएं से दाएं चले, पिसता जो है वो गेहूं है। तो आज जो है मिडिल क्लास जो है वो गेहूं के साथ साथ, घुन के साथ साथ भी गेहूं पीस रहा है और बाजरे के साथ साथ भी गेहूं पीस रहा है। तो मिडिल क्लास को ये केंद्र सरकार जो है सहूलियत देने की कोशिश करे, ताकि आम जनता जो है उसको फायदा हो। आम जनता जो है अभी भी दुखी है, तो आम जनता के को हमें आंसू पोंछने के लिए इस भारत सरकार के बजट में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी को दूर करने की जो योजनाएं बनाई हैं, इनको सचमुच लागू कर दें। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आलमदार साहब, वर्तमान में जो संकट आ रहा है, रेलवे बोर्ड की भर्ती को लेके छात्रों का आंदोलन और दूसरे तमाम आंदोलन, जिसमें किसानों का भी आंदोलन है, वो उनमें अभी सुगुगाहट है, इन सबको इस बजट में कैसे रोका जा सकता है? देखिए प्रधानमंत्री जी, हम कहते हैं प्रधानमंत्री एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम की चार पहियों की गाड़ी लेके चल रहा है, लेकिन वो गाड़ी नहीं है, वो उनका हवाई जहाज है, वो हवाई यात्रा ज्यादा करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जो है अपनी हवाई यात्रा को कम करके जो जमीनी यात्रा है वो ज्यादा करें। और जो आंदोलन जो किसानों का था, जो साल भर से ज्यादा चला, वो सरकार अगर चाहती तो 10-15 दिन में ही इस समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन ये देखा गया है कि जब चुनाव होते हैं तब सरकार तो जल्दी निर्णय लेती है, जब चुनाव नहीं होते तो आराम से बैठी रहती है। तो मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं दिन में भी जागता हूं और रात में भी जागता हूं, तो मैं चाहूंगा वो सचमुच जाग जाए और जो देश की जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको वो अपनी आंखों से जमीन पर चल फिर कर देखे। हवाई जहाज से उनको ये सच्चाई नहीं दिख सकती, और अगर उन्होंने हवाई जहाज से अपनी इस तरह से लंबी यात्रा करी तो देश के अंदर अराजकता आएगी, किसान आंदोलन फिर होगा, छात्र आंदोलन फिर होगा, और जो व्यापारी मंडल जो है वो भी आंदोलन की बात कर रहा है, और जो कि उद्योग जगत है ये भी कह रहा है कि हाँ हम जो है किसानों की तरह से आंदोलन करेंगे। तो हम प्रधानमंत्री कहेंगे कि उद्योग जगत से बातचीत करें और किसानों से फिर बातचीत करें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।